हेलो एवरीबडी, वेलकम टू लर्निंग कर्व। तां जिद्दा के स्टूडेंट्स दी रिक्वेस्ट ते जिहड़ा अगला टॉपिक सी जिहदे ते आपां अज डिस्कस करन जा रहे हां, ओह है पावरफुल कम्यूनीकेशन। तो देखो, कम्यूनीकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू या डिस्कशन तक ही लिमिटेड नहीं है। वह इन्नी कु ज़्यादा वास्ट है, इन्नी ज़्यादा जनरल है, तो इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत तरह दियाँ यूटिलिटीज़ है, वो बहुत तरह के परपस वो हल जोड़े है वो हो सकते हैं। क्योंकि ओबियसली तुसी आपका सर्टिफिकेट या आपदियाँ डिग्रीज लैके नहीं जाते, उत्थे तुहाडी कम्यूनीकेशन ही सब तो पहला जिहड़ी है वो नोटिस होंदी है। तां कम्यूनीकेशन नूं लैके जिहड़े तीन सवाल बनते हैं, जिहड़े तीन बेसिक सवाल बनते हैं, वह यह है। पहला सवाल है वाई शुड आई स्पीक, कि मैं क्यों बोला, मैनू की लोड़ है अपने आइडियाज़ अगे रखन दी। दूसरा सवाल है हाउ शुड आई स्पीक, कि मौके नूं देखदिया होया, ओकेजन नूं देखदिया होया, मैं किद्दां कित्थे गल करनी है, किद्दां आपदा आइडिया आपदा जिहड़ा विचार है वह मैं रखना। तीजा जिहड़ा क्वेश्चन है वह यह है कि वैन शुड आई स्पीक, कि कदों मैं बोलां ते कदों मैनू चुप रहना चाहिए। तो देखो, ये गोल्डन रूल है कि कम्यूनीकेशन जिहड़ी है इट इज़ ऑलवेज अबाउट वॉट यू से एंड वॉट यू डू नॉट से एंड हाउ यू कन्वे बोथ द थिंग्स। तो सब तो पहला आप गल करांगे कि मैनू बोलन की लोड़ की है, वाई शुड आई स्पीक। सब तो पहला आप इत्थे आने तां मैं सब तो पहला तुहानू एक इंस्टेंस देनी हाँ कि जदों कोई बच्चा पैदा होंदा, वैन एन इनफेंट इज़ बॉर्न ही इज़ मेड टू क्राई, उन्हूं स्पेशली रवाया जांदा है ये देखन वास्ते कि जे उन्हूं किसे तरह नाल कि वह रिस्पोंड करे अपनी गल नूं। सो यू आर अ बॉर्न कम्यूनीकेटर, यू आर अ नैचुरल कम्यूनीकेटर। ए ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपां कम्यूनीकेट करते हाँ, आपां रिस्पोंड करते हाँ किसी तरह के स्टिमुलस नूं, किसी तरह के रिएक्शन नूं। तां यू आर अ बॉर्न कम्यूनीकेटर, सो यू नीड टू स्पीक। तुसी हर जगह पर जो चुप रहोगे तो वह भी बहुत बुरी तरह नाल मिसइंटरप्रेट हो सकता है, मिसकम्यूनीकेट हो सकता है। सो तुहानू बोलना तो पएगा, ये चीज़ आप एक चीज़ क्लीयर कर लिए। दूसरी चीज़ जिहड़ी इत्थे काम आती है वह आ है कि कम्यूनीकेशन नू तुसी एक सबजेक्ट तरह ट्रीट नहीं कर सकते। कम्यूनीकेशन एक बहुत ही वास्ट लाइफ स्किल है, बड़ी ही जरूरी है। तो इनू तुसी एदा नहीं देख सकते कि हाँ मेरा दो महीने बाद पेपर है या एक महीने बाद मेरी इंटरव्यू है या GD है तो मैं अज तो कम्यूनीकेशन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दाँगा तो मैं उदों तक हो जाऊँगा। इदा ये नहीं होएगा, ये जिन्ना नैचुरल जिन्ना एफर्टलैस रहे उनके वास्ते तुहानू इहदे ते लाइफ लोंग काम करना पैंदा, ये एवें दी स्किल है। तो इनू तुसी इस मामले च ड्राइविंग नाल कंपेयर कर सकते हो कि तुसी ड्राइविंग तां नहीं सीखते क्योंकि तुसी एक बार एक महीने बाद किते जाना है तो उत्थे बहुत जरूरी टाइम पर पहुँचना है तो आप जाना है। तुसी ड्राइविंग तां सीखते हो ताकि तुसी उस स्किल सीखन तो बाद तुसी जिथे भी जदों भी जिवें भी चाहो पहुँचना चाहो तुसी उत्थे पहुँच पाओ। तो कम्यूनीकेशन एक बहुत ही वास्ट चीज़ है, तो जो तुसी इनू एनालाइज करना शुरू करते हो, जो तुसी इहदी डेप्थ च देखते हो इस चीज़ नू, तां इहदी बहुत सारियां यूटिलिटीज़ निकल सकदियां, ना सिर्फ एक इंटरव्यू या डिस्कशन तक ये चीज़ लिमिटेड नहीं है। तो हुण आपां वापस दोबारा आ रहे हैं कि वाई शुड आई स्पीक, मैनू बोलन की लोड़ की है, वाई डू आई नीड टू पुट माई आइडियाज़ फॉरवर्ड। तो उस तो पहला ये चीज़ देखनी जरूरी है कि वह की चीज़ है जिहड़ी तुहानू बोलन तो रोक रही है। तो वह दो बेसिक फैक्टर्स होंदे हैं मेरी नॉलेज। एक फैक्टर आ होंदा है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ अलग नहीं है कहने लिए, या मेरे को कुछ ओरिजिनल या कुछ ऑथेंटिक नहीं है कहने वास्ते, तो मैं चुप भी रहांगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पेगा। इत्थे मैं पहली गल क्लीयर करदा कि देखो, आइडियाज़ कभी भी ओरिजिनल नहीं होंदे। अपनी इंटरप्रिटेशन, द वे यू एक्सप्रेस दोज आइडियाज़, दैट इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअल। तो वह हर बंदे की अलग होंदी है, इक्को आइडिया होएगा पर इक्को स्टोरी होएगी, इक्को नैरेटिव होएगा, इक्को थॉट होएगा, पर उन्हों जे चार लोग गल करेंगे तो अलग तरीके ना करेंगे। सो जिहड़ा तुहाडा इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है या जो तुसी सोचते हो वह बाहर रखना बहुत जरूरी है। इट शुड बी पुट आउट,
दैट आइडिया दैट दैट थॉट शुड बी पुट आउट। सो ये चीज़ एक आप ध्यान च रख सकते हैं कि सिर्फ तुसी देखो मेरे ते तुहाडे आइडिया च इस टाइम फर्क आ है कि तुहाडा आइडिया सिर्फ तुहाडे तक है, बट माई आइडिया हैज़ एन एज ओवर योर आइडिया और माई ओपीनियन हैज़ एन एज ओवर योर ओपीनियन जस्ट बिकॉज आई पुट इट आउट। तो ये भी चीज़ है, इतने दूसरा रूल अप्लाई करता है कि तुसी ता नहीं बोलते क्योंकि तुसी बोलन दे खातर सिर्फ बोल रहे हो, यू डोंट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, यू स्पीक फॉर द सेक ऑफ अ पर्पस। जो तुहानू ये लगे कि तुहाडे कहन नाल कोई चीज़ जिहड़ी है वो इंप्रूव हो रही है, एनरिच हो रही है, या ओदा तुहाडे वल किसी तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट है या इंप्रूवमेंट है, तुसी उदों आपकी गल अगे रख दो। हुण आपां आने दूजे फैक्टर ते जो कि बहुत वड्डा फैक्टर है। लोगों को लगता है कि बोलना सिर्फ उन्होंने ही जरूरी है जिहड़े स्पीकर्स है या डिबेटर्स है, पर ऐदा नहीं है। एक ऐसी स्किल है जो हर किसी नूं आनी चाहिए है, तो ये ते काम करना पैंदा है, कॉन्शियसली इस चीज़ ते काम करना पैंदा है। ता एक स्पीकर दे जे तुसी देखदे हो, स्पीकर दे हिसाब नाल देखदे हो, तो तुसी उन्हूं स्टेज फेयर कह दिंदे हो। तो जे तुसी एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ च देखदे हो तो तुसी उन्हूं नर्वसनैस या फीयर कह दिंदे हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नर्वसनैस इज एक्साइटमेंट विद अ नैगेटिव कॉनोटेशन। देखो तुसी कुछ भी करोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी तरह नाल तुहाडी लाइफ नू इंपैक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, यू विल डेफिनेटली बी नर्वस अबाउट इट। तो बेहतर तरीका आ है कि तुसी उनू नर्वसनेस नहीं, पर रादर तुसी उनू एक्साइटमेंट दे तौर ते उनू देखो, क्योंकि तुसी ओ ता तुहानू फील होएगा ही होएगा, योर हार्ट विल रेस वाइल यू स्पीक। बड़े सही जे तीन चार सिंपल जे तरीके है कि सब तो पहला उस फीयर नू तुसी नॉर्मलाइज़ इदा कर सकते हो या आपदे आप नू स्टेबलाइज़ तुसी इदा कर सकते हो कि ज़्यादातर नर्वसनैस हुंदी है ता बंदे नू थोड़ी घबराहट फील हुंदी है। सो दैट कैन बी इंप्रूव्ड बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यू नो, टेक 5 मिनट्स ऑफ एंड जस्ट ब्रीद। तो उस चीज़ नाल आपदे आप नू नॉर्मलाइज़ कर दो। तो ये चीज़ जिहड़ी है वो टाइम नाल ते प्रैक्टिस नाल आती है। तो फीयर च जिहड़ी चीज़ काम आती है वो सब तो पहला आता है कि तुसी आपदी ब्रीदिंग ते काम करो, थोड़ा जिहा आपदे आप नू नॉर्मलाइज़ करो, ते वो इसे कॉन्फिडेंस नाल ते कन्विक्शन नाल आएगी जो तुहानू ये पक्का पता होएगा दैट यस आई नीड टू स्पीक हेयर। दूजी चीज़ वो आएगी, कन्विक्शन जिहड़ी है इत्थे बहुत जरूरी है, यू शुड बी क्लीयर विद योर पर्पस, वाई एम आई स्पीकिंग। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਹਾਓ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਸਪੀਕ ਐਂਡ ਵੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਸਪੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਹਾਓ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਸਪੀਕ ਐਂਡ ਵੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਸਪੀਕ। ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਵੈਲ ਡਿਲੀਵਰਡ ਕੋਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਅ ਚੇਂਜ। ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੋਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, एक अच्छा कनैक्शन, कोई भी किसी भी तरह का कनैक्शन हो डेफिनेटली वो कम्यूनीकेशन के थ्रू ही होएगा। तो यू आर ऑलवेज वन वैल डिलीवर्ड स्पीच अवे फ्रॉम अ चेंज, ऑलवेज रिमैंबर दैट। थैंक यू सो मच।